बाड़मेर नगर परिषद की टीम ने रविवार को अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सुभाष चौक, माणक हॉस्पिटल रोड, कल्याणपुरा सहित कई क्षेत्रों में क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी मनमर्जी से बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को जेसीबी की सहायता से हटाया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर शहर के विभिन्न इलाकों में क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी मनमर्जी से बनाए गए स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर नगर परिषद के दस्ते ने रविवार को शहर के सुभाष चौक, कल्याणपुरा मार्ग और माणक हॉस्पिटल के आसपास की गलियों में कार्रवाई को अंजाम देते हुए सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकरों को ध्वस्त किया। जेसीबी के साथ पहुंचे नगर परिषद के कर्मियों ने शिकायत के आधार पर सुभाष चौक, कल्याणपुरा, माणक हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकरों को हटवाया। इस कार्रवाई के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। नगर परिषद आरआई ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने अपनी मनमर्जी से अपने घरों के आगे स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं, जिससे यहां गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही वाहन चालकों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। आरआई के अनुसार नगर परिषद आयुक्त के निर्देशानुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जो रोड है इस पे बहुत बड़े बड़े इन्होंने बिना परमिशन बना दिए ब्रेकर, और जो गाड़ी आ रही है और तकलीफ हो रही है, दो तीन गिर गए। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? कोई शिकायत है? शिकायत हुई है, चेयरमैन से के पास किसी ने फोन किया है और आयुक्त साहब ने भी कहा है कि भाई ये जो अवैध बना इसको तो हटाओ। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों ने घरों के आगे मनमर्जी से स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। कई इलाकों में इनकी ऊंचाई स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। वहीं इन स्पीड ब्रेकरों से कई बार हादसे होने की भी बातें सामने आई है। इसी के मद्देनजर नगर परिषद की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्पीड ब्रेकर हटाने की कार्रवाई की गई।